आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश की वजह से पूरे शहर का हाल बेहाल। लोगों को बचाने का काम जोरों पर। लोगों को घर बाहर न निकलने की सलाह। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों और दुकानों में ही भर गया पानी। एक कार के शोरूम में पूरी तरीके से पानी। एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों के व्यापार पर इस बारिश का व्यापक असर। विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत बचाव कार्य भी प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। खासतौर पर इस इलाके पर प्रशासन की खास नजर है। ड्रोन से घरों की छतों पर पहुंचाई जा रही है लोगों के लिए राहत सामग्री। लोग अपने घरों की छत पर बैठे हुए कर रहे हैं इंतजार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में बाढ़ ने तबाही मची हुई है। लोगों के घरों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बाढ़ के बीच मासूम का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। पूरे इलाके से अब तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भी बारिश और बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बाढ़ के बीच राहत बचाव कार्य भी जारी है। चेतक हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है वायुसेना। विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जायजा लिया। पीड़ित लोगों से मुलाकात किया। हर संभव मदद का भरोसा। विजयवाड़ा में डिप्टी सीएम पवन कल्याण की आपदा प्रबंधन टीम के साथ एक विस्तृत बैठक हुई। बाढ़ के हालात को लेकर समीक्षा बैठक में जायजा लिया गया। कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हैं उस पर बातचीत की गई। लोगों को किस तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है इस पर भी एक विस्तृत बैठक हुई। गुजरात के अंबाजी में छापरी गाँव के पास भीषण लैंडस्लाइड। पिछले कुछ दिनों से गुजरात में लगातार भारी बारिश और बाढ़ की चपेट से लोग परेशान हैं। इस लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा आया। आवाजाही में दिक्कत भी हुई। गुजरात के ही महीसागर में कनाड़ा बांध से पानी छोड़ा गया। बारिश और बाढ़ की वजह से पूरा डैम लबालब भर गया। लगभग 1,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। महीसागर नदी में बाढ़ आने की वजह निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया। निचले इलाकों में और आसपास के जो गांव है वहां पर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को वो जगह छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने की बात भी कही गई। गुजरात के भरूच में बारिश के कारण रियासी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखे। सड़कों पर लबालब पानी भरा नजर आया। लोगों के घरों में भी पानी घुसा। घरों के आगे जल भराव को पाटने के लिए जेसीबी से डाली गई मिट्टी लगातार प्रयास जारी। सतना में तालाब फूटने से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। तेज बहाव में कार बाइक सभी बह गए। पानी में फंसे 2 बच्चे। पुलिस ने सफलतापूर्वक इन दोनों बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर भराव देखने को मिला। लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना। बिहार के भागलपुर में पानी में समा गया जल मीनार। के कटाव से 24 से ज्यादा घरों पर मंडराया संकट। डर की साई में जीने के लिए मजबूर हैं लोग। हालांकि प्रशासन ने लोगों को अलर्ट पर रखा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने के लिए कहा गया। में भी बारिश का असर खासतौर पर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में बारिश के बीच फिर वरुणावत पहाड़ से लैंडस्लाइड देखने को मिला। लैंडस्लाइड की तेज आवाज सुनकर लोगों में दहशत। घर छोड़कर भागे लोग। दंतेवाड़ा बीजापुर एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया जिला अस्पताल। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 9 नक्सली।
गुजरात के पोरबंदर से कोस्ट के चॉपर का मलबा हुआ बरामद। 3 लापता क्रू मेंबर में 2 के शव मिले। कमांडेंट राकेश राणा के लिए तलाश अभियान अभी भी लगातार चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में बेरोजगार युवक के नाम पर 250 करोड़ का फर्जीवाड़ा देखने को मिला। जीएसटी विभाग जांच कर करेगा कानूनी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में डीएम कार्यालय की कुर्की की गई। दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं देने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी के मऊ में कुख्यात अपराधी अमित ठठेरा की करोड़ों की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की। मुख्तार अंसारी का मेंबर था ये। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नकली नोटों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से मिलने के बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। मौके से 60,000 नकली नोट भी बरामद किए गए। एटीएम कार्ड समेत कई सामान इन लोगों से बरामद किए गए। गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी में स्टंट करते नजर आए युवक। गाड़ी पर लिखा दिया मजिस्ट्रेट। सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग देख हैरान हुए लोग। पंजाब के फिरोजपुर में कार सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। गाजियाबाद में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार में एक पुलिसकर्मी और महिला थी मौजूद। दोनों के नशे में होने की भी। मध्य प्रदेश के पांडोड़ा में गोटमार मेले में चले पत्थर। पत्थरबाजी में 220 लोगों के घायल होने की अब आई है खबर। 4 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पूरे इलाके में 6 जिलों की पुलिस बल को फिलहाल तैनात किया गया। मध्य प्रदेश अशोकनगर में 24 साल के युवक की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। डॉक्टर के घर के बाहर बेंच पर ये युवक बैठा था, अचानक गिरा और इसकी जान चली गई। बताया ये भी जा रहा है कि युवक कुछ तबियत बढ़ने की वजह से डॉक्टर के यहाँ इसके बाद फोन पर किसी से बातचीत कर रहा था, तभी अचानक वो गिर गया। हल्द्वानी में महिला सुरक्षा को एक्शन में प्रशासन दिख रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। 35 गाड़ियों और 5 ऑटो रिक्शा को किया सीज। उत्तराखंड के नैनीताल में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात हुई। हालांकि सीसीटीवी में दुकान के भीतर जेवरात चुराते हुए नजर आए चोर। पुलिस ने दर्ज किया है मामला। चोरों की पंजाब के कपूरथला में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक ने कुछ दिन पहले आरोपी युवक की बहन का रेप करके उसकी हत्या की थी। केंद्र त्रिपुरा सरकार एनएलएफटी और एटीटीएफ प्रतिनिधियों के बीच आज होगा समझौता। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में होंगे हस्ताक्षर। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णु देसाय ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लॉन्च। रायपुर में सीएम साय समेत वरिष्ठ नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। आज प्रयागराज के रोजगार मेले में शामिल होंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। नियुक्ति पत्र के साथ बांटेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। 25,000 युवाओं के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आज प्रयागराज को 400 परियोजना की सौगात भी देंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 600 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का देहांत हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरे परम पूज्य पिताजी आदरणीय पूनम चंद यादव जी का निधन मेरे जीवन की अपूर्णीय क्षति है।
संघर्ष और नैतिक मूल्य सिद्धांतों से परिपूर्ण पिताजी के जीवन ने हमें सदैव मर्यादा के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बबीता चौहान बनी यूपी महिला आयोग की अध्यक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। सरकार ने अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, जबकि बबीता चौहान यूपी महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाई गई। इसके अलावा चारू चौधरी को भी राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली के एलजी की शक्तियां बढ़ गई। राष्ट्रपति ने दिया बोर्ड आयोग और प्राधिकरण में नियुक्ति का अधिकार। गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि राष्ट्रपति ने दिल्ली के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति दिल्ली एलजी को दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले जारी कर सकती है बीजेपी। कल मनोहर लाल के आवास पर हुई बैठक में धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरबीर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। टिकट के लिए नरबीर ने दिखाए हैं बाकी तेवर। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का शंखनाद। कश्मीर के बनिहाल और दूरों में करेंगे भव्य रैली। अगले हफ्ते से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जम्मू में दो, कश्मीर घाटी में एक रैली करेंगे प्रधानमंत्री। ब्रुनेई के बाद आज सिंगापुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति थर्ड पीएम लॉरेंस वोंग से करेंगे मुलाकात। कारोबारी समुदाय के नेताओं से भी मिलेंगे। ब्रुनेई की राजधानी में पीएम मोदी ने भारतीय उच्चायुक्त के दफ्तर का उद्घाटन भी किया। मौके पर हाई कमीशन के अधिकारी भी मौजूद रहे। रूस में इकोनॉमिक फोरम की मैगजीन के कवर पर मोदी की फोटो छपी। लिखा गया, नरेंद्र मोदी का अनूठा मार्ग, प्रगति और राष्ट्रवाद में संतुलन। रूस ने यूक्रेनी शहर पोल्टावा पर मिसाइलें दागी। हमले में 41 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। 180 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। रूसी मिसाइल हमले पर यूक्रेनी राष्ट्र जेलेंस्की का बयान आया सामने। जेलेंस्की ने कहा, शैक्षणिक संस्थान समेत और अस्पताल पर मिसाइल गिराई गई है, इससे लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमास इजराइल युद्ध में बढ़ा फिलिस्तीनियों के मौत का आंकड़ा। जंग में अब तक 40,786 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान, हजारों की संख्या में लोग हुए हिंसक। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया सामने। बेंजामिन ने कहा, युद्ध विराम और बंधक समझौतों की शर्तों पर आगे बढ़ने नहीं पड़ेंगे। इंडोनेशिया के दौरे पर पोप फ्रांसिस। जकार्ता में अनाथ बच्चों के साथ पोप फ्रांसिस की मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। बच्चों ने गले भी लगाया। दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत में नामाक्वाला रेगिस्तान में दिखा अलग ही नजारा। रेगिस्तान में खिले कई तरह के खूबसूरत फूल। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर हो रही हैं वायरल। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किए गए विमान को जब्त किया। प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन का हवाला दिया। पोलैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के नरसंहार के 700 से ज्यादा पीड़ितों को दिया गया राजकीय सम्मान। सभी के अवशेष को दफनाया गया। चीन ने लॉन्च किया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का
तारामंडल की नई प्रौद्योगिकियों पर परीक्षण करने के लिए किया जाए इसका इस्तेमाल। कांगो की राजधानी की सबसे बड़ी जेल में गोलीबारी की घटना हुई। फायरिंग में दो कैदियों की जान भी गई। जेल से भागने की कोशिश में हुई थी फायरिंग। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज जीती। दूसरा मैच 6 विकेट से जीता। सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप की। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस का बयान, कहा भारत के खिलाफ अपने टेस्ट रिकॉर्ड को सुधार करने का समय है। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे रोहन बोपन्ना की जोड़ी, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू और बारबोरा को हराया। यूएस टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हुई पिछले बार की चैंपियन कोको, अमेरिका कोको को उन्हीं के देश की एमा ने हराया। प्रणयी से पीएम मोदी ने पैरालंपिक विजेता खिलाड़ियों से की बातचीत, बधाई देने के साथ कहा आप सब पर देश को गर्व है। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल आर्थराइटिस से पूछ रही हैं, कहा रिटायरमेंट के बारे में भी सोच रही हूं। लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्टर बने पूर्व क्रिकेटर अजय राठौर, सिलेक्शन टीम में सलिल अंकोला की भी जगह। सूर्य कुमार यादव दलीप ट्रॉफी पहले राउंड से बाहर। बुच्चे बाबू टूर्नामेंट में चोटिल हुए थे। 5 सितंबर से होना था मैच। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का बयान, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरीके से तैयार। वेब सीरीज IC 814 बात को लेकर नेटफ्लिक्स का बयान आया सामने, कहा डिस्क्लेमर को अपडेट कर बताए गए हाइकर्स के वास्तविक नाम। फिल्म इमरजेंसी पर मचे बवाल के बीच कंगना रनौत ने नई फिल्म अनाउंस की। फिल्म का नाम भारत भाग्य विधाता है, जिसमें कंगना लीड रोल में होंगी। दीपिका पादुकोण ने कराया प्रेगनेंसी फोटोशूट। प्रेगनेंसी का आरोप लगाने वालों को दिया जवाब, वायरल हो रही है तस्वीरें। चोट लगने के बावजूद सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं सलमान खान। सेट से सामने आई तस्वीर, 45 दिनों का स्केड्यूल शूट कर हैदराबाद जाएंगे लेकर्स। सिंगर हनी सिंह ने अपने गाने को बताया बेहद खराब, कहा मेरे कई गाने ऐसे जिनका कोई मतलब नहीं पर आज हिट है। नशे की लत पर हनी सिंह ने कहा 24 घंटे नशे में डूबा रहता था। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने लगाई थी लत, शोहरत मिलने के बाद परिवार छोड़ दिया था। डायरेक्टर महेश भट्ट एक्ट्रेस सपना चौधरी के ऊपर बनाएंगे फिल्म। सपना चौधरी की लाइफ और उनसे जुड़े विवादों को पर्दे पर उकेरेंगे। रिलीज होगी रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 3। डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर सेट से तस्वीर शेयर की।